सियासत के गढ़ इंदौर में नए नवेली महापौर पुष्यमित्र भार्गव लगातार आमजन से मेलजोल बढ़ाते नजर आ रहे हैं। जहां एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री तुलसी सिलावट के साथ महापौर पुष्यमित्र भार्गव आमजन के सामने नतमस्तक नजर आए और जनता का आभार जताया। देखिए इसी पर ये खास रिपोर्ट। सियासत के गढ़ में नए नवेली महापौर का अलग अंदाज, मंत्री सिलावट के साथ जनता के सामने नतमस्तक हुए भार्गव। नतमस्तक होकर भार्गव ने जताया आमजन का आभार। आमजन से मेल जोल बढ़ाते दिखाई दे रहे पुष्यमित्र भार्गव स्वच्छ शहर इंदौर में जीत का इतिहास कायम करने वाले और रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतने वाले नवनिर्वाचित महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव इन दिनों लगातार जनता के बीच अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होते नजर आ रहे हैं। जहां ऐसे ही कार्यक्रम में शामिल हुए महापौर पुष्यमित्र भार्गव मंत्री तुलसी सिलावट के साथ जनता के सामने नतमस्तक नजर आए। साथ ही उन्होंने इस रिकॉर्ड जीत के लिए आमजन का आभार भी जताया। सांवेर विधानसभा के वार्ड क्रमांक 35 में आयोजित इस कार्यक्रम में बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे और पार्षद राकेश सोलंकी समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। देखा आपने कैसे कॉमन मैन से महापौर तक का सफर तय करने वाले पुष्यमित्र भार्गव ने नतमस्तक भाव से आमजन का आभार व्यक्त किया। साथ ही पुष्यमित्र भार्गव ने वार्ड क्रमांक 35 की जनता को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। रामायण में भगवान श्री राम जब रावण का वध करके अयोध्या लौटे तो उन्होंने सबको कुछ न कुछ काम दिया, सबको कुछ न कुछ उपहार दिया और हनुमान जी को माता सीता ने अपने घर पे भोजन के लिए बुलाया। हनुमान जी पहुंच गए और भोजन शुरू हुआ। पूरे इधर हनुमान जी भोजन करें, सीता माता आटा लगाए, एक मिनट में भोजन समाप्त। पूरे अयोध्या में जितनी भोजन की व्यवस्था थी वो कम पड़ने लगी। माता सीता जो थी बहुत कष्ट में और संकट में थी। उन्होंने भगवान श्री राम से पूछा कि अब मैं क्या करूं, हनुमान जी का तो मन और आत्मा तृप्त नहीं होती है। तो बोले आप कुछ मत करो, अब थाली में जब वो कहेंगे भोजन लाओ तो एक छोटा सा तुलसी का टुकड़ा रख देना। तो हनुमान जी का भाव और मन तृप्त हो जाएगा, उनकी तृप्ति पूरी हो जाएगी। ऐसे ही कार्यकर्ताओं की लंबी फहरिस्त है, लेकिन उन सब कार्यकर्ताओं की तृप्ति करने वाले आप सबको। और देखिए विशेष बात है, बहुत कम समय में भारतीय जनता पार्टी को अपने काम से तृप्त करने वाले ऐसे श्री तुलसीराम सिलावट जी ने उनका अंतिम नाम लिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो नए नवेले महापौर पुष्यमित्र भार्गव लगातार आमजन से मेल झोल बढ़ाते नजर आ रहे हैं। जहां एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री तुलसी सिलावट के साथ महापौर पुष्यमित्र भार्गव आमजन के सामने नतमस्तक नजर आए और जनता का आभार जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।